थैंक यू मैम। बहाने बनाते हैं ना कि मैं हाउसवाइफ हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी सास मेरे को पढ़ने नहीं देती, ससुराल में पढ़ाई नहीं होती, मेरे छोटे बच्चे हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, आप इनसे सीख सकते हो। इनकी मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। ये ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड लगे हुए थे उस समय, और ये नेट का जो अपना बैच था उसके लिए इन्होंने ज्वाइन किया था। इनकी छोटी बच्ची थी, वो रात को सोने नहीं देती थी, मतलब 11-12 बजे तक तो ये रात को नहीं पढ़ पाते थे। सुबह जल्दी उठना उनको 4 बजे उठ के, और बच्ची जब उठे नहीं तब तक ये अपना पूरा सिलेबस जो डेली पढ़ाया उसको तैयार करना। उसके बाद दिन भर इनको स्कूल जाके आना है, स्कूल का जाने आने का भी समय है, ससुराल में रहना है तो काम भी करना है, और उसके बाद में इन्होंने मतलब जीआरएफ में माइनर सा मतलब पॉइंटों में ये रहे थे उस समय, और नेट इन्होंने मतलब ऑल इंडिया जो टॉपर है उसकी सूची में उस समय। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग सीख सकते हो। बहुत सारे कॉल मैसेजेस आते हैं कि सर हम फैमिली में हैं पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो लोग मतलब सीख सकते हो। बहाने बनाने को अपने पास हजारों हैं, कितने ही बहाने बना सकते हैं, और कारण एक चीज है अपन को पढ़ने के लिए, तो वो चीज आप मतलब इनसे बहुत बड़ी एक सीख मिलती है। और मैं हर जगह जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ये एग्जाम्पल देता हूँ इनका, कि ये मतलब सफलता का पर्याय है। अभी ये आरएस की तैयारी कर रहे हैं और मेरे को पूरा विश्वास है एक दिन ये एसडीएम भी बनेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आपका आभार, आप आए अपना समय निकाल के। मैम आप कुछ बोलना चाहें प्लीज। मैं भी ज्यादा बोलने के लिए बट सर मेरी मैं सर मेरे से एज में बहुत छोटे हैं, बट मैंने काफी कुछ सीखा है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इनके अंदर है। कहीं भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा सर से पूछ लेती हूँ कि क्या करना चाहिए, तो सर हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं। हमेशा कई बार ऐसा हुआ है कि कोई एग्जाम में मैं फेल भी हुई हूँ, देन आफ्टर सर से बात होती है तो सर बोलते नहीं कुछ इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही रीजन रहा होगा, कोई बात नहीं आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा कर पाओगे। तो पॉजिटिव रिप्लाई जो होता है ना वो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, जो कि सर हमेशा करते हैं। और सूरज सर तो अपने आप में एक मिसाल है, जो आप सब लोग जानते हैं उनके बारे में। तो थैंक यू सर। पहली तो बात है कि मेरा नाम गौरी है, मैं मेरी मम्मी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। पढ़ने के नाम पे तो वो बहुत कुछ कर लेती है, बहाने बनाने में तुम नंबर वन है। पढ़ने के लिए तो एक बात है कि मेरे जब नानाजी का रिटायरमेंट हुआ था तो सबसे पहला बहना मम्मी के पता क्या था कि पेट दर्द है मेरा, मैं नहीं जाऊंगी। ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी मामा जी ने, तो फिर मम्मी ने ना वो टिकट कैंसिल करा दी और फिर झंडे भरने का बहाना बना दिया था। और है ना पढ़ने के नाम पे ना वो सर की है ना पूरी रात 12 बजे तक क्लासेस लेती थी। थैंक यू। आपको टाइम नहीं देते थे।